वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एमओएस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोर्स से ओवरव्यू लिए थे, यानी ये समझे थे कि ये सब्जेक्ट है क्या और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप ये पढ़िएगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता क्या है, और 2-3 प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सारे प्रॉपर्टी को समझा देंगे और 2-3 प्रॉपर्टी को लिखवा देंगे। आप वो प्रॉपर्टी को समझ कर याद करके रखिएगा। ध्यान से देखना, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, और उसके बाद समझते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, और यहाँ से हम सिविल इंजीनियरिंग से इस सब्जेक्ट को कोरिलेट करेंगे कि पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ पे इसका अप्लीकेशन करने जा रहे हैं। देखो, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि कोई एक बॉडी होता है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, लिख देते हैं यहाँ पे कोई एक बॉडी है, और उस बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ध्यान से समझना कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके स्टेट में, स्थिति में क्या क्या चेंज होगा, ध्यान से समझो, इसके स्टेट में, इसकी स्थिति में क्या क्या चेंज होगा, इस चीज को ऑब्जर्व करना कहलाता है मैकेनिक्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के स्थिति में कुछ बदलाव आएंगे, और उस बदलाव को हम लोग को पढ़ना है, उस बदलाव को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है मैकेनिक्स। यहां तक समझ में आया? अगर बॉडी रिजिड होगा, अगर बॉडी रिजिड होगा तो हम लोग ये चीज जो है, यानी जो ऑब्जर्वेशन है, वो कहलाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताए थे रिजिड बॉडी क्या होता है। मान लो कि ये 2 पॉइंट है, इस मार्कर के ऊपर ये 2 पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कितना भी फोर्स लगा दो, कितना भी फोर्स लगा दो, ये पूरा का पूरा बॉडी टूट जाएगा, लेकिन इसके बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है डिफॉर्मेशन होता है चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप, SHAPE, शेप एंड साइज, शेप और साइज में जो बदलाव आता है उस बदलाव को हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या होता है डिफॉर्मेशन? तो चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ध्यान से समझिएगा, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बॉडी रिजिड होगा तो डिफॉर्मेशन कैसा होगा? जीरो होगा। हम लोग ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जो बॉडी पढ़ते हैं वो बॉडी कैसा होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है? होता है डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब होता है जिसके शेप और साइज में बदलाव आ जाए। अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स के कारण अगर इसका बॉडी के शेप और साइज दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाए तो उस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस सब्जेक्ट में हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब जब आप फोर्स लगाओगे तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है उसके शेप और साइज में बदलाव आएंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से समझना, हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे कि एक बॉडी होगा, उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के फोर्स लगाएंगे। फोर्स हो सकता है कंप्रेसिव, फोर्स हो सकता है टेंसाइल, फोर्स ऐसा हो सकता है जो मोमेंट क्रिएट करे, फोर्स ऐसा हो सकता है जो टॉर्सन क्रिएट करे। तो डिफरेंट फोर्स होगा तो फोर्स के कारण इसमें क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये बॉडी डिफॉर्मेबल है तो इसके शेप और साइज में बदलाव आएगा। तो इस डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझना, इस डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना ही ये सब्जेक्ट कहलाता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, सिविल इंजीनियर क्या करता है? सिविल इंजीनियर एक ब्रिज बनाता है, एक डैम बनाता है, एक घर बनाता है। तो क्या ये स्ट्रक्चर कहलाता है? स्ट्रक्चर क्या बोले थे कि ये एलिमेंट का कनेक्टिक, एलिमेंट को जब आप इंटर कनेक्ट करोगे तो एक सिस्टम बनेगा, और उस सिस्टम के ऊपर जब आप लोड लगाओगे तो वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटर कनेक्टिंग मेंबर का एक सिस्टम होता है। यानी ब्रिज, बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या क्या मेंबर कनेक्टेड होते हैं? बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल, ये सब मेंबर कनेक्ट होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर लोड लग रहा है। ध्यान से समझना, क्या जब जब लोड लगेगा डिफॉर्मेशन आएगा क्या? ठीक है, तो डिफॉर्मेशन को हम लोग को ऑब्जर्व करना है। जब आप एक सिविल इंजीनियर हो, ब्रिज बनाने जाओगे तो आपको ये पता होगा कि ब्रिज के ऊपर कितना लोड लगने वाला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस लोड के कारण कौन सा मटेरियल है वो टूटेगा नहीं,
कौन सा मटेरियल है वो टूट जाएगा, तो जो सेफ मटेरियल होगा वही आप अप्लाई करोगे। तो हम लोग फोर्स बार बार बदलते रहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बदलेंगे, इसका नेचर बदलेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर बदलने से क्या डिफॉर्मेशन बदलेगा, तो ये हर चीज का जानकारी होना चाहिए। देखो ब्रिज के ऊपर से जब एक गाड़ी गुजरता है तो तीन चार तरह का लोड लगता है उस ब्रिज के ऊपर, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, वाटर के द्वारा लोड, जो वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत तरह के लोड लगते हैं। तो उस लोड के कारण, हर अलग अलग लोड के कारण अलग अलग तरह का डिफॉर्मेशन आएगा, और उस डिफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ब्रिज बना पाओगे। क्योंकि ब्रिज जो होता है वो मटेरियल से बना होता है, और मटेरियल डिफॉर्म करता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि ओरिजिनली रियलिटी में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं होता है। रिजिड बॉडी एक आइडियल कंडीशन है, यानी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो जो भी बॉडी होगा वो डिफॉर्मेबल होगा, यानी आप ब्रिज, डैम, घर जो भी बनाओगे, जिस भी मटेरियल से बनाओगे, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो कितने लोड के कारण कितना डिफॉर्मेशन, अगर ये सब जानकारी आपको होती है तभी आप एक सेफ स्ट्रक्चर बना पाओगे, नहीं तो अंदाजे में कुछ भी हो सकता है। कभी आप लोग ऐसा ऑब्जर्व किए हो कि जिस ब्रिज से रेल गुजरता है, ट्रेन गुजरता है, वो लोहे का ज़्यादातर बना होता है, ठीक है, और जो बस या फिर बोलो व्हीकल्स के लिए होता है वो ज़्यादातर कंक्रीट से बना होता है। ये ऑब्जर्व किए होगे, आप ये भी ऑब्जर्व किए होगे कि पहले ब्रिज जो था वो अलग तरीके का होता है, आज का जो ब्रिज होता है वो अलग तरीके का होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग मटेरियल के प्रॉपर्टी और डिफॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे अलग तरह का ये डिज़ाइन किया जाता है। तो आप एक अच्छा ब्रिज का डिज़ाइन करना चाहते हो या करोगे, तो आपको मटेरियल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझो या ध्यान से सुनो, हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के कारण इस बॉडी में किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है ये ऑब्जर्व करेंगे। पूरा पूरा सब्जेक्ट में यही काम होगा, फोर्स बदल देंगे डिफॉर्मेशन बदल जाएगा, और फोर्स चेंज करेंगे डिफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। 10 तरह का फोर्स लगाएंगे, 10 तरह का डिफॉर्मेशन आएगा, और यही काम करना है हम लोगों को। डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो शेप और साइज में चेंज, मतलब आप एक ब्रिज बनाते हो तो ब्रिज क्या मुड़ जाना चाहिए, नहीं मुड़ना नहीं चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कितना डिफॉर्मेशन लिमिटेड होता है, कहाँ तक जाएंगे, ये आगे के सेमेस्टर में पढ़ना है, 6th और 5th सेमेस्टर में। लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना होना चाहिए ये बाद में, कैसे करते हैं इस सब्जेक्ट में। तो इसको कुछ पॉज करके नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इरेज करके इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे लिखवा देते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इतना कंटेंट दे दिया जाएगा कि स्पेशल एसएससी जेई की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। पहले भी बोले थे कम से कम 400 पेजेस का आप नोट्स कॉपी रखोगे, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर में तो लिमिटेड कंटेंट जाएगा, थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेज है उसमें मेहनत हम करेंगे, ठीक है। कम से कम जो ऑफलाइन यानी क्लासरूम वाला प्रोग्राम होगा वहाँ पे हर एक वीक में 1 से 2 टेस्ट होगा, मटेरियल प्रोवाइड करते जाएंगे, उसका PDF कॉपी आपको हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन जो क्लासरूम में है उन लोगों का टेस्ट और कंटेंट मटेरियल है वो रेगुलर जाते रहेगा, ठीक है। हर एक सप्ताह में टेस्ट होगा, तो मानकर चलिए कि ये सेमेस्टर जो है वो बहुत कम समय में बहुत कुछ आपको पढ़ना है। तो मेरा पूरा का पूरा इफर्ट रहेगा इस सब्जेक्ट को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देकर कंप्लीट कर सके। तो लिखवा देते हैं सब्जेक्ट के बारे में 2-4 लाइन, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ अभी आपको समझाए थे यहाँ पे लिख दिए हैं, जो भी कुछ आपको समझाए थे बस 2 सेंटेंस में पूरा सम अप कर दिए। ध्यान से समझना, इन दिस सब्जेक्ट, हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल इफेक्ट, अंदर से मटेरियल में क्या बदलाव आएगा। इंटरनल इफेक्ट का मतलब मटेरियल के अंदर में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं एनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। हमेशा याद रखना, फोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नली अप्लाइड होना चाहिए। अरे ब्रिज, डैम, घर बनाते हैं
तो ऊपर से लोड जो लगता है, ठीक है, उस लोड के कारण जो बीम कॉलम है उसमें किस तरह का डिफॉर्मेशन होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। यानी फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट किस तरह से डिफॉर्म करेगा, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग सिर्फ डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन में ऑलवेज लोड गिवेन होगा। तो अब देखना, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट या बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस लोडिंग। डिफरेंट टाइप का लोड लगाएंगे और मटेरियल में किस तरह से मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है ये ऑब्जर्व करेंगे, तभी ना एक अच्छा ब्रिज बना पाएंगे। हमको पता चलेगा कि लोड कितना आ रहा है और कौन सा मटेरियल कैसा बिहेव करता है, तो वही सुटेबल मटेरियल अप्लाई कर देंगे ब्रिज बनाने में। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये छोटा छोटा दो पॉइंट है, लेकिन इसी से पूरा सब्जेक्ट जो है कवर हो जाता है, पूरा पता चल जाता है कि सब्जेक्ट में करना क्या है। हर एक यूनिट में हम लोग यही काम करेंगे, डिफरेंट टाइप के लोड लगाएंगे, डिफरेंट टाइप के डिफॉर्मेशन आएंगे जिसको ऑब्जर्व करना है। पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जब लोड लगाने पे मटेरियल शो करता है। जब आप किसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स के कारण किस तरह का वो गुण शो करेगा, वो गुण कहलाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका गुण सामने आएगा वो कहलाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिफाइन बिहेवियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें किस तरह उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो गुण होगा, वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। फिर से देखना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, डैट डिफाइन बिहेवियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के कारण जो भी उसका बिहेवियर गुण सामने आएगा वो कहलाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग कौन कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, दूसरा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ये तीन प्रॉपर्टी आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे, बाकी का सारा प्रॉपर्टी अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, समझ कर इसको लिखवा देते हैं और आगे टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस और फैटिक को समझेंगे। देखो स्ट्रेंथ होता है मजबूती, कोई मटेरियल कितना लोड को रोक सकता है ये कहलाता है उसकी मजबूती। अगर मान लो कि तीन मटेरियल है, अगर ये मटेरियल 10 किलो न्यूटन फोर्स को रोक लेता है, अगर ये मटेरियल 20 किलो न्यूटन फोर्स को रोक लेता है और ये मटेरियल 30 किलो न्यूटन फोर्स को रोक लेता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके इसको लोड रोकने की क्षमता ज़्यादा है तो इसकी मजबूती ज़्यादा है। देखो कोई भी मटेरियल बोलता नहीं है, ये जैसे मार्कर है, बोल कर नहीं बताएगा कितना मजबूत है, तो उसके ऊपर लोड लगाकर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, और जितना उसका लोड को रोकने की क्षमता होगा वही उसका कहलाएगा प्रॉपर्टी, वो कहलाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। तो जो मटेरियल ज़्यादा फोर्स में टूटेगा, ठीक है, जो मटेरियल ज़्यादा फोर्स में टूटेगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी मटेरियल का या ऑब्जेक्ट का वो गुण है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ। हम लोग इस सब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट पकड़े हैं, डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को हटा दोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट विल डिफॉर्म, बट वेन वी रिमूव द फोर्स, When we remove the force, the object regain क्या कर लेगा, regain its original shape। तो इस property को बोलते हैं elasticity। Plasticity क्या होता है, जिसमें permanent deformation हो जाए, force लगाओगे deformation होगा, और deformation अगर permanently हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, तो वो property कहलाता है plasticity। Elasticity का opposite होता है plasticity। जैसे आटा से जब रोटी बनाते हैं तो आटा को खींच कर लंबा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो वो एक तरह का क्या है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। टफनेस, एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता होता है उसको टफनेस बोलते हैं। डक्टिलिटी, मटेरियल को जब एक वायर में आप खींच सको वो कहलाएगा डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी, जब आप उसको प्लेट में कन्वर्ट कर पाओ, मैलिएबिलिटी। ब्रिटलनेस,
इट इज द अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी, मटेरियल बिना इलोंगेट हुए टूट जाए वो ब्रिटल कहलाएगा, हार्डनेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग फैटिग, जब साइक्लिक लोड लगाते हैं जैसे आप तार बार तोड़े होंगे, तार मतलब वो एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर, तो मोड़ मोड़ कर तोड़ा जाता है, एक बार मोड़े टेढ़ा हो गया सीधा कर दिए, मोड़े टेढ़ा हो गया सीधा कर दिए, तो बार बार उसको साइक्लिक लोड लगाते हैं और एक टाइम पे वो टूट जाता है। तो जो मटेरियल जितना ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल लोड पे टूटेगा वो उतना फैटिग में मजबूत होगा, ठीक है। तो इसको मोटा मोटी समझाए हैं, ये तीन टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस और फैटिग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल एज वेल एज मैलिएबल मटेरियल होता है, ठीक है। मैलिएबल का मतलब है प्लेट बना देना, तो ठोक कर, पीट कर, रोल करके आप अगर उसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर पाओ तो वो मटेरियल कहलाएगा मैलिएबल। अगर एक मटेरियल से वायर आप बना पाओ तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगा डक्टिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, और अगले लेक्चर में ये सब प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, अभी आपको जितना भी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में समझाए थे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखना होगा क्या स्ट्रेंथ का मतलब होता है, मजबूती। कोई भी मटेरियल कितना मजबूत है ये हम लोग को तब पता चलेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का एटम कभी बताएगा हमको कितना मजबूत है? नहीं। इसकी मजबूती तब पता चलेगी जब हम इसको चेक करेंगे, तब ये पता चलेगा कितना मजबूत है। जितना ये फोर्स को रोक पाएगा उतना ही ये मजबूत है। एक समय ऐसा आएगा ये टूट जाएगा, ठीक है। टूट जाएगा तो बोलेंगे फेल हो गया, ठीक है। देखना यहां से इस बात को समझना, स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स रजिस्टर्ड बाई एनी मटेरियल। तो जो भी मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स रजिस्टर करेगा कोई मटेरियल वही कहलाएगा उसका स्ट्रेंथ। या अलग शब्द में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से डैट द स्ट्रेंथ इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू रजिस्ट लोड। मतलब किसी मटेरियल का जो लोड को रोकने की जो क्षमता होती है वही उसकी मजबूती कहलाती है। बात को अच्छा से समझो, ये एक कोई मटेरियल है, इसमें छोटे छोटे एटम्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जब आप इसको खींचोगे यानी इसको जब आप ये फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड टूटना चाहेगा, लेकिन जब कम फोर्स रहेगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। जिस फोर्स पे ये बॉन्ड टूट जाएगा वो हम लोग बोलेंगे कि उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो देखो इसका क्षमता बताता है, तो अगर आप 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाते हो और उस 10 किलो न्यूटन ये फोर्स को रोक लेता है तो हम लोग बोलेंगे कि इस लोड पे ये सेफ है, ठीक है। लेकिन क्या इस लोड से इसकी मजबूती बताया जा सकता है? नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि अभी इस लोड पे अगर नहीं टूटा है तो इट मे पॉसिबल कि 12 किलो न्यूटन पे भी ना टूटे, ठीक है। और ये फाइनली अगर 15 मतलब धीरे 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 बढ़ाते गए और 15 पे टूट जाता है, ठीक है, 15 पे टूट जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे ये टूटता है उसी का एकदम थोड़ा सा पीछे और उसी के बस थोड़ा सा ज्यादा बीच में एक बैरियर होता है। मान लो कि 15 किलो न्यूटन पे टूटा तो ठीक है, एक बैरियर है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि 15 से जैसे ही आगे जाओगे तो ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, और 15 से जैसे ही आप पीछे रहोगे तो ये पूरा का पूरा सेफ रहेगा, ठीक है। तो जिस लोड पे ये फेल हो जाता है, या बोल सकते हैं कि जहां तक ये लोड को रोक पाता है, देखो 15 के पीछे ये सारा लोड को रोक पाएगा और 15 से ज्यादा जो भी लोड लगाएंगे उसमें फेल हो जाएगा, तो 15 किलो न्यूटन हो जाएगा, वो उसकी मजबूती कहलाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखना फिर से बोल रहे, स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स रजिस्टर्ड बाय एनी मटेरियल कहलाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। कोई मटेरियल कितना मजबूत है ये तभी पता चलेगा जब हम लोग उसको तोड़ेंगे। अगर कोई कम फोर्स में टूट जाता है तो बोलेंगे कि उसका रजिस्ट करने की क्षमता कम है, और कोई ज़्यादा फोर्स पे टूटता है तो हम बोलेंगे उसको रजिस्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, और जिसका क्षमता ज़्यादा होगा रोकने का वो ज़्यादा मजबूत होगा। समझ में आ रहा? देखो जब चौक लेते हैं, चौक या फिर कोई मिट्टी लेते हैं तो जल्दी टूट जाता है, यानी उसके अंदर का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। वही लोहा, कॉपर, कोई मेटल होता है वो जल्दी नहीं टूटता है।
तो उसको रजिस्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है, रोकने का क्षमता ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है, और जिस लोड पे टूटेगा तो बोलेंगे फेल हो गया, वो चीज नहीं चाहिए, बताओ कहां तक वो मजबूत है, वो लोड बताओ। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग को ये स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो हम लोग को स्ट्रक्चर डिजाइन करने में जो भी मटेरियल यूज होगा उस मटेरियल की मजबूती पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लोड जो आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के बराबर हम लोग को यह स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे। इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या बताए थे कि किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप कोई फोर्स लगाओगे तो फोर्स के कारण डिफॉर्म हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा, उसके शेप में चेंज आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को हटा दोगे वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये जो मटेरियल का गुण होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है, वो कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये एक तरह का मटेरियल है, वो मटेरियल कहलाता है इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। When load is applied on the material, it deform under the application of external load. तो जब आप किसी मटेरियल पे लोड लगाओगे तो ये क्या होगा, डिफॉर्म कर जाएगा। What is the meaning of deformation या what is the meaning of deform, ध्यान से समझना। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप और साइज। ठीक है, या एंड, ए एन डी एंड, चेंज इन शेप एंड साइज। अगर किसी मटेरियल के साइज या शेप में चेंज आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे ये पहले एल लेंथ का था लंबा, जब इस पर आप फोर्स लगाए तो इसका लंबाई बढ़ गया, एल प्लस एक्स हो गया। यही मटेरियल है, ये मटेरियल ए है और ये भी मटेरियल ए है, लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगा तो ये उसका ओरिजिनल पोजिशन था, अब ये आगे बढ़ गया। तो शेप में साइज में जो चेंज होगा उसी को बोलेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखना क्या बोल रहे हैं कि व्हेन लोड इज अप्लाइड, जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे डिफॉर्मेशन होगा, किसके कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण। यहां तक समझ में आया, देखना इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये एक मटेरियल का गुण होता है। तो क्या ये गुण सब मटेरियल में पाया जाएगा, नहीं सब मटेरियल में नहीं पाया जाएगा, कुछ कुछ मटेरियल में होगा, हर एक मटेरियल इलास्टिक नहीं होगा या हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये नहीं होगी। देखना इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या बोल सकते हैं सॉलिड, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मटेरियल रिगेन, रिगेन का मतलब होता है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में फिर से वापस आ जाना। ठीक है, मटेरियल रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड। रिगेन का मतलब है अपने पोजिशन पे वापस आ जाना, रिगेन कर लेना। ठीक है, कोई दूर चला गया था फिर वापस आ गया, रिगेन कर लिया, अपने पास फिर से लौट आया। तो जब आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो इलोंगरेट हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज इन शेप एंड साइज, लेकिन जैसे ही आप लोड को हटा दोगे ये फिर से वापस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी। देखो रबर है, रबर को खींचो लंबा हो जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो ये उसका ये प्रॉपर्टी कहलाएगा इलास्टिक प्रॉपर्टी। चिकनी मिट्टी देखे हो, सॉइल, सॉइल में पानी मिला दो, गीला कर दो, या आटा, आटा को आप गूंथ दो। ठीक है, तो उसको जब आप खींचोगे तो उसी पोजीशन पे रह जाएगा। च्युइंगम, उसको आप च्युइंगम चबाने के बाद उसको खींच दो, क्या वो वापस आता है क्या? ठीक है, वापस करने का मतलब थोड़ा लंबा कर देना, खींच कर वैसे ही छोड़ देना, देखना उसी शेप में रह जाएगा। तो जो च्युइंगम है, जो सॉइल यानी क्ले है, या जो मिट्टी है, या फिर जो आटा है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ये किस में पाया जाता है, आयरन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको रबर में पाया जाता है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखना अब हम लोग नेक्स्ट मटेरियल का प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है वो इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है। इलास्टिसिटी में क्या था कि आप फोर्स लगाते हो, जब फोर्स को रिमूव कर देते हो तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फिर से बोल रहे हैं, जब आप फोर्स लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, जैसे ही आप उस फोर्स को हटा देते हो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी। लेकिन जब आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाओ और वो डिफॉर्म हो जाए, और जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली हो जाए, जैसे भी पहले एग्जांपल बताए थे च्युइंगम, च्युइंगम को अगर थोड़ा सा खींच कर लंबा कर दो, वो ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं होता है, वो जिस शेप में ढाल दिए हो उसी शेप में रह जाता है। तो जिस मटेरियल में ये गुण होगा उस गुण को बोलेंगे प्लास्टिसिटी, या उस तरह के मटेरियल को बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल, जैसे क्ले, चिकनी मिट्टी। ठीक है, उसको जिस भी शेप में ढालो उसी शेप में रह जाता है।
ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टी कहलाएगा, प्लास्टिसिटी, या वो क्ले जो है वो कहलाएगा प्लास्टिक मटेरियल। रबर क्या है, उसको खींच दो तो लंबा हो जाएगा, जैसे ही लोड हटाओगे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो ये गुण कहलाता है इलास्टिसिटी, और मटेरियल जो है रबर वो कहलाता है इलास्टिक। ठीक है, जैसे आयरन लोहे का जो छड़ होता है, जब उसको आप खींच कर लंबा कर दो, तो मतलब देखो बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बट सम एक्सटेंट कुछ हद तक जब आप उस पर फोर्स लगाते हो और जब उस फोर्स को हटा देते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। देखो फोर्स और लोड में अंतर ये है कि जब फोर्स किसी सरफेस के ऊपर लगाया जाता है तब उसको लोड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जब फोर्स को किसी सरफेस के ऊपर लगाया जाएगा तब उसको हम लोग लोड बोलेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड होता है तो वो लोड कहला जाता है। ठीक है, तो देखना ये प्लास्टिसिटी का यहाँ पे जो भी कुछ आपको समझाए थे लिखा हुआ है, देखना, व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल इट डिफॉर्म, डिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, उसके शेप और साइज में चेंज आएगा। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल शेप है, उसका ओरिजिनल साइज है, वो बदल जाएगा, किसके कारण, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के कारण। हम लोग इस सब्जेक्ट में किस तरह का मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इस सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना कि रिजिड मटेरियल। उसके बाद देखना, व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल इट डिफॉर्म परमानेंटली, ये परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा, डैट इज मटेरियल लूजेज इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या है, मटेरियल क्या कर देगा, खो देगा अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को। ठीक है, जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उसी शेप में रह जाएगा। उसके बाद देखना, इन अदर वर्ड वी कैन से डैट प्लास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रिटेन, रिटेन का मतलब है जो जैसा है वैसा ही रह जाना। जैसे IPL का मैच आप लोग देखते होंगे तो उसमें दो चार प्लेयर को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है, अपने पास रख लेता है, स्टे करवा लेता है, तो उसका शेप जब बदल गया तो उसी शेप में वो रह जाता है, वहीं पे रह जाता है, वापस रिगेन नहीं करता है। रिगेन का अपोजिट वर्ड है रिटेन, रिगेन का मतलब वापस आ जाना, रिटेन का मतलब वैसे ही रह जाना। लिख लेना यहां पे, रिटेन का मतलब है वहीं पे रह जाना और रिगेन का मतलब है वापस आ जाना। व्हेन इट रिटेन, रिटेन का मतलब रह जाता है, स्टे कर जाता है, इट्स डिफॉर्म्ड शेप इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो क्या है, इन अदर वर्ड हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसके कारण वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कर लेता है। देखना, ये एक मटेरियल है, मटेरियल बी बोल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं, जैसे ही फोर्स लगाए डिफॉर्मेशन हो गया, फोर्स को हटा दोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। जैसे कैरी बैग, जो पॉलीइथिलीन का यानी पॉलीथीन का जो बैग होता है या जिसमें आप सब्जी खरीदते हो प्लास्टिक वाला, उसको खींच देना, ठीक है, खींचने पे वो लंबा हो जाएगा और जब उसको छोड़ोगे तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है प्लास्टिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए प्लास्टिसिटी तक ही रखते हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।